गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल चाल भाई लोगों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर राज साइकिल बाबा एक बार फिर आ गया हूँ भाई, और इस बार सीधा रोड से आया हूँ। और उधर सनराइज हो रहा है, देखिएगा, और धनों पे आज सुबह हम 6 बजे ही निकल लिए भाई, 6 बजे धीरे धीरे निकल के और चलते हैं। आज जो टारगेट है, डबल कन्फ्यूज हूँ, कन्फ्यूज तो होता है, एक बार मैं डबल कन्फ्यूज हूँ। सोच रहा हूँ कि जहाँ पे कल रुकना था वहाँ रुकूँ आज जाके 40 किलोमीटर बाद में, दूसरा सोच रहा हूँ कि वहाँ से 60 किलोमीटर आगे जाके रुकूँ, फिर मौसी 300 किलोमीटर रह जाएगी। तो पहले तो देखिए सनराइज, क्या सुंदर सा सनराइज हो रहा है, देखते हैं यार, क्योंकि मुझे एडिटिंग भी करनी है यार। फिर आप भाई कमेंट करके मुझे बोलते हो कि भाई वीडियो नहीं आया, तो वीडियो एडिटिंग भी करके ना डालनी भी ज़रूरी है। आज मंगलवार है तो बुधवार को डालनी होती है, तो कोशिश करूँगा कि आज वहाँ रुकूँ या फिर 106 किलोमीटर चल के रुकूँ, देखते हैं, बताऊँगा यार वीडियो के आखिरी तक। यहाँ पे अगर आपको होटल बुक करना है तो booking.com कम ही काम करता है भाई, और कोई भी वेबसाइट। यहाँ छोटे छोटे गेस्ट हाउस हैं, लॉन्ज बोलते हैं जिनको, आप उनमें से किसी में भी जा सकते हो और पूछ सकते हो डायरेक्ट। ऑनलाइन की फैसिलिटी कमी है यार। टांगा रीजन है। टांगा एक गांव शहर है, यहाँ से 150 किलोमीटर है, वो लगभग केनिया के बॉर्डर के पास में है। और मौसी हमें अभी भी 366 किलोमीटर जाना है, मौसी 366, अरूसा 445। अभी गन्नों को लगा दिया यहाँ पे, और ये कल वाले केले पड़े हैं, ये निपटाता हूँ। छोटे छोटे से केले हैं, इलायची वाले। ये भाई साहब भी जा रहे थे, म्यूजिक मतलब स्पीकर टांग रखा है बंदे ने, तो मैं भाई केले खा, एक दो केले भाई को खिलाए, वो चला गया। पर मीठे बहुत हैं यार ये, मज़ा आ जाता है इनको खा के। अभी अगले 100 किलोमीटर तक सबसे ऊंची हाइट पे गांव आ गया, ये टेंगवी। और ये देखिए, नीचे से आया हूँ मैं, उधर से पीछे से, वो देखो रोड दिख ही रहा होगा आपको। आज की राइड जो है वो 75 किलोमीटर रह गई है, और 75 किलोमीटर में सिर्फ 500, आज तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, 500 मीटर का एलिवेशन है भाई। कोशिश करूँगा कि आज मैं 75 निकाल ही दूँ यार। पहले मन कर रहा था कि यहीं पर रुक जाऊँ जहाँ पे लास्ट डे टारगेट था, यहाँ से 10 किलोमीटर आगे वो जगह, पर यार फिर सोचा कि अभी 9:30 हुए हैं सुबह के, तो 75 तो और निकाल ही दूंगा। फिर थोड़ा सा आराम करेंगे, एडिटिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी करनी, बट कर लेंगे यार। लकड़ की चीज़ें बेच रहे हैं भाई, और ये कोयला पड़ा है। कोयला तो यहाँ हर रोड पे हर जगह मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गैस का प्रबंध अभी तक है नहीं, सब लोग कोयला यूज़ करते हैं भाई। पीछे स्वराज ट्रैक्टर चल रहा है, यहाँ पे स्वराज, सोनालिका, आइसर और फोर्ड तो एक्चुअली US का है, बट ये सारे ट्रैक्टर मैंने चलते हुए देखे भाई, मैसी। तो वैसे तो खेती बहुत कम होती है, पर जहाँ भी होती है तो हाँ ये वाले ट्रैक्टर, इंडियन ट्रैक्टर का ब्रांड काफ़ी देखा। और टाटा की गाड़ियाँ थोक के भाव में मिलेंगी आपको, टाटा की बसेस, ट्रक, ये तो बहुत मिलेंगे, आइसर के भी ट्रक मिल जाएंगे छोटे वाले, और बजाजी तो है ही एवरग्रीन। मकाटा पहुँच गए, मकाटा। अब यहाँ से 65 किलोमीटर रह गया, यहाँ पे कल रात को हमें यहाँ पहुँचना था यार, पर देखा रोड कितना वो है, नैरो है और एलिवेशन बहुत ज़्यादा है, तो नहीं पहुंच पाए। यहाँ
यहाँ से हम हंदेनी होके भी जा सकते हैं और दूसरा सीधा हाईवे से जा सकते हैं। इस रोड पे ट्रैफिक कम बता रहे हैं, पर आगे कैसा होगा रोड ये भी पता नहीं है यार, तो मैं रिस्क नहीं लूँगा, मैं सीधा जाऊँगा। मक्खियाँ पका रहे हैं पर पकी नहीं है, मैंने पूछ लिया, खाने का मन था। ओह नींद ना मांगे बिस्तर हैं, लेटा यार यहाँ पे लगा के दन्नों को और लेटते ही नींद आ गई, यहाँ पे ऐसे स्पेस हो गया था। तो भाई जब नींद आती हो ना तो कोई बिस्तर विस्तर की ज़रूरत नहीं होती, और टाइम हो गया 12:30 यार। चढ़ाई ना मतलब एक साथ हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे लद्दाख जा रहे हैं एक साथ ही लगभग चढ़ाइयाँ होती हैं, वो एक मज़ेदार होती है भाई। ठीक है 10 किलोमीटर चलना है, चढ़ा के निपटा के परे करें। अब यहाँ क्या है कि एक बार ऊपर जाओ फिर यूँ नीचे आ जाओ, फिर यूँ ऊपर जाओ फिर यूँ नीचे आ जाओ, वो बड़ा तंग करती है। खैर 2 केले बचे हुए थे वो निपटा दिए, अभी मेरे पास खाने का कुछ है नहीं, और अभी यहाँ से 40 किलोमीटर के बाद में कोई शहर आएगा तो देखते हैं आज का लंच डंच जो भी होगा वो वहीं जाके करेंगे यार। अब यार कैसे चलाऊँ इस पे, चढ़ाई है और ये ट्रक वाले ऐसे चलते हैं, सारा रोड है, मैं पैदल चलना पड़ता है मुझे यार, ऊपर नीचे। और पिछले 4-5 किलोमीटर से थोड़ी हरियाली सी आ गई है, पहले ड्राई ड्राई से पहाड़ से, अभी तो जैसे खेती वाला एरिया आ गया है। बादल हो गए, अब बारिश किसी भी टाइम आ सकती है, और हवा भी तेज़ चल रही है, और सामने की हवा देखो, दोनों तो चल ही नहीं रही, सामने की हवा इतनी तेज़ है ना। लो भाई थोड़ा रेस्ट कर लिया, रेस्ट। और ये कटहल का पेड़ है, कटहल छोटे ही हैं अभी, बड़े नहीं हैं, देखिए लगे हुए। अभी 2 ऑप्शन है यार, 3:30 हुए हैं, या तो मैं 8 किलोमीटर पे जाके रुक जाऊं, या फिर 28 किलोमीटर या 30-30 किलोमीटर तक जाके रुकूं, दोनों में से एक करना है। जहां मन करेगा वहां रहेंगे आज, क्योंकि सिर्फ 200 मीटर का एलिवेशन रह गया 28 किलोमीटर में, और 8 में 100 का है, तो पहले 8 में 100 कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगले 20 में तो फिर 100 ही होगा, तो फिर जल्दी निकल जाएगी। बाकी तो रब रखा भाई, कुल्फी लिया यार, 500 सीलिंग की आती है, 500 सीलिंग की यहाँ पे। उसी शहर में कुल्फी खा के मैं इधर ही आ गया था यार, पास में एक वो गेस्ट हाउस था, तो गेस्ट हाउस में एक रूम ले लिया मैंने, और छोटा सा रूम है, मेरे 400 रुपये में मुझे ये रूम मिला है। ये देखिए गन्नों को मैंने अंदर ही खड़ा कर दिया इसके, और बस एक ये पंखा चल रहा है ये है, और गन्नों खड़ी हो जाएगी, बाकी कुछ कर नहीं पाएंगे इसके अंदर, पर ठीक है यार। 15,000 टी सीलिंग तंजानियन सीलिंग का आया ये, और एक चीज़ जो मेरे को देखने को मिली यहाँ पे वो अच्छी चीज़ पता है क्या, ये देखिए ये बारिश होती है यहाँ पे, ये बारिश का सारा पानी कलेक्ट करते हैं और ये हौद बना रखा है, जैसे पुराने राजस्थान में आपको मिल जाएगा, और इसको भर रखा है बारिश के पानी से, फिर इसमें से यूज़ करते हैं ये बाद में। ग्राउंड वाटर यहाँ पे है नहीं, नदी आसपास होगी नहीं कोई, हमारे पुराने लोग तो आज भी कुंड बोलते थे, राजस्थान में तो बहुत सारे कुंड मिल जाएंगे ऐसे। तो अभी मैं कुछ खाने को देखता हूँ कोई जुगाड़, आज सुबह से सिर्फ मैंने केले खाए हैं और तो कुछ खाया नहीं यार, हाँ केले खाए हैं और एक कुल्फी खाई है। फ्राइज ले ले भाई आज भी, और केले ले लिए डिनर के लिए। 1500 की मिली, 1500 का मतलब है 40 रुपये की प्राइस। व्हाट्स दे मेक, व्हाट इज दिस Sony. Sun? For? And one is Sony. What? Oh. Yeah. Oh, tamakku. Tamakku का डिजाइन बना रहे हैं भाई, तमाकू को तैयार करते हैं। इन्होंने पोलोथीन वगैरह भी नहीं यूज़ करते, बहुत कम ही यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो मैं केले मेरे को पड़े 1000 के, 1000 का मतलब हो गया 30 रुपये की, ये इतने सारे केले, 7-8 केले, और 1000 1500 का मतलब 50 रुपये की है फ्रेंच फ्राइज।
और ये फैमिली गेस्ट हाउस करके कोई गेस्ट हाउस है जो मैंने लिया आज रात के लिए, तो वो भी दिखा दूँ आपको कहाँ। अच्छा यहाँ की मिट्टी देखो लाल है भाई। डिनर टाइम केले खाएंगे और ये खाएंगे, कार्ब भी आ जाएगा, कैलोरीज भी आ जाएंगी, काम चल जाएगा आज का, कल फिर देखेंगे। एक्चुअली यहाँ से मौसी तक ज़्यादा इंडियन फूड कहीं मिलेगा नहीं आपको, तो अभी मौसी यहाँ से 300 किलोमीटर रह गया। वेजिटेरियन भी कम मिलेगा, मिलेगा बट कम मिलेगा। मैं किसी बड़े शहर में रुकी नहीं रहा, गाँव में रुक रहा हूँ पिछले दो दिन से ही। तो दोस्तों आज का वीडियो हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। अभी हम शावर वावर लेंगे, थोड़ा एडिटिंग का करेंगे कोशिश, देखना फेस पे थोड़ी शाइनिंग ज़्यादा ही आ रही है, तो नहाएंगे धोएंगे और रेस्ट करेंगे यार। तो भाई आज का वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म, तब तक खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।